सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोर्टली बटन से ब्लाउज डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सो इस डिज़ाइन को आई होप कि आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से इसी डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी। सो वीडियो को कम्प्लीट देखिए तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि इस डिज़ाइन को आप कितने आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर बैक पार्ट को मैंने पहले से ही कटिंग करके रखा है और इस ब्लाउज का देखिए जो कमर है वो है 32 इंच और उस पर मैंने 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है और चेस्ट है 40 इंच, उसमें भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच और आर्महोल भी मैंने लिया है 7 इंच, बस इतना ही मेजरमेंट्स है। सो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को यहाँ से डबल फोल्ड करके रखा है। इसी तरीके से बिल्कुल साइड से बराबर करते हुए हमें बैक पार्ट को ऐसे रखना है, इस तरीके से बहुत ही सफाई से रखना है। और यहाँ पर कपड़े का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, मिडिल यानी कि सेंटर होगा, वहाँ से हमें कपड़े को कट कर लेना है। तो मिडिल से बिल्कुल ही कट कर लिया है मैंने और यहाँ पर बैक में ही मैं हुक और हाई की पट्टी अटैच करूँगी। तो इस तरीके से कट करने के बाद एक पार्ट पर हमारी हुक होगी और एक पार्ट पर हमारी हाई होगी। तो हुक वाली साइड पर ही पोर्टली बटन्स हम लगाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने कुछ बटन्स रेडी कर लिया है। तो पोर्टली बटन को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर सेम कलर का धागा, रुई और 2 इंच का कपड़े को कटिंग किया है स्क्वायर में। तो ये देखिए सबसे पहले पोर्टली बटन का जो साइज़ है वो आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको रुई लेना है, हाथ से ऐसे बॉल जैसा बनाना है घुमाकर इस तरीके से। और ये देखिए जैसे ही ये बॉल बन जाएगा कपड़े की जो रॉन्ग साइड होगा उस पर आपको रखना है इस तरीके से और फिर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। पोर्टली बटन का जो शेप होता है ऊपर बॉल जैसा, वैसे आपको हाथ से क्रिएट करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको बिल्कुल कपड़े का कलर जैसा मैचिंग धागा लेना है और फिर धागे को जहाँ पर रुई नहीं है बिल्कुल कपड़े के ऊपर हमें इस तरीके से गोल गोल घुमाकर बिल्कुल टाइट करना है उस जगह को और 2 बार हमें इस तरीके से हाथ से लॉक कर देना है। देखिए मैं आपको स्लोली यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप लॉक कर सकते हैं और फिर धागे को कट कर ले। और यहाँ पर नीचे जो पोटली बटन के नीचे जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको इस तरीके से कट कर लेना है। तो रुई के अलावा आप कपड़े से भी पोटली बटन बना सकते हैं। कपड़े को छोटे छोटे पीस पर कट कर लेना है और फिर कपड़े का बॉल बना लेना है इस तरीके से और फिर कपड़े के अंदर ऐसे भरना है और फिर से धागे से ही हमें लॉक करना है पोटली बटन बनाने के लिए। इसके अलावा थर्मोकॉल का बॉल से भी आप पोटली बटन बना सकते हैं या फिर बिल्कुल छोटा सा कोई मोती लेकर भी आप पोटली बटन बना सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों पार्ट में से एक पार्ट आपको लेना है और इसमें हम पोटली बटन जो अभी भी बनाया है वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में हमें नेक के लिए निशान लगाकर कटिंग करना है। ऊपर से चौड़ाई के साइड पर मैंने 4 इंच पर निशान लगाई है और यहाँ पर टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ 3 इंच। आप चाहे तो आधा इंच कम या आधा इंच बढ़ा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरीके से 3 इंच पर मार्क लगाने के बाद इधर भी 3 इंच पर मार्क लगा लेना है और यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लेना है इस तरीके से। और बॉक्स के अंदर हमें बिल्कुल राउंड वाला शेप यहाँ पर ड्रॉ करना है इस तरीके से, ये देखिए। और फिर मार्किंग के ऊपर हमें इसे कटिंग कर लेना है, बस थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हमें इसे कटिंग करना है। और जहाँ पर हमारी नेक का कटिंग ख़त्म हुआ है उसके बाद हमें आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखकर पोटली बटन को लगाना स्टार्ट करना है। लेकिन हम पोटली बटन लगाना स्टार्ट करेंगे नीचे से, तो नीचे भी कमर पट्टी लगाने के लिए आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मार्जिन रखते हुए पोटली बटन को लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सिंगल फुट से भी पोटली बटन लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर डबल फुट से ही पोटली बटन को लगा रही हूँ। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से गैप नहीं देना है, बिल्कुल पास पास में ही पोटली बटन को लगाना है। और लगाने के टाइम पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाली साइड पर आपको थोड़ा सा मार्जिन रखना है कमर पट्टी लगाने के लिए और ऊपर जहाँ पर हमने अभी अभी नेक को कटिंग किया है वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है क्योंकि नेक को हमने तैयार नहीं किया है। पोटली बटन को लगाने के बाद हम नेक को तैयार करेंगे पट्टी अटैच करके, तो इसलिए दोनों तरफ आपको सेम मार्जिन छोड़ना है लेकिन आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मार्जिन छोड़ना है और 1 इंच से आपको कम मार्जिन छोड़ना है। और यहाँ पर देखिए जिस लाइन पर मैं पोटली बटन को लगा रही हूँ वहाँ पर मैं आधा इंच ऊपर की तरफ पोटली बटन को लगा रही हूँ। बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे ही पोटली बटन्स को लगा लिया है। अब यहाँ पर पोटली बटन के पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरीके से कट कर लेना है और ध्यान रखना है कि नीचे जो हमारा बैक पार्ट का कपड़ा है वो कटना नहीं चाहिए, सिर्फ पोटली बटन का कपड़े को कट करना है। तो इस तरीके से हमें इसे कट करना है, ये देखिए। तो यहाँ पर फिनिशिंग से मैंने सारे कपड़े को कट कर लिया है। उसके बाद बिल्कुल ही एक सीधा पट्टी कटिंग करना है, इसका चौड़ाई है 1.5 इंच, ये देखिए।
और इस पट्टी को बिल्कुल ही उल्टा करके रखना है इस तरीके से, सीधा वाला साइड कपड़े के साथ मिलाते हुए रखना है। रखने के बाद यहाँ पर आपको आधा इंच का मार्जिन, आप मार्जिन जितना आप चाहे ले सकते हैं, मतलब आपका जो पोटली बटन होगा, पोटली बटन का जो गोल वाला शेप है उसके बिल्कुल पीछे से ही हमें सिलाई को ले जाना है। जब हम इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं तब अंदर की साइड हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता है, तो आप चाहे तो पहले एक चौक का निशान लगा सकते हैं कि आपका पोटली बटन कहाँ से है और कहाँ से सिलाई लगाने से बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। चौक का मार्क लगाने के बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सिलाई लगाई है, ये देखिए। तो पट्टी को लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि पोटली बटन के ऊपर जो धागा हमने रोल रोल करके घुमाकर लगाई थी वो ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो फिर से आप सिलाई लगा लें जिससे वो जगह दिखाई ना दे। तो इस तरीके से डबल सिलाई आप लगा सकते हैं किसी भी जगह पर प्रॉब्लम आई तो। तो सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम इस तरीके से एक तरफ कर लेंगे और बिल्कुल ही कॉर्नर से एक सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। इसके बाद बैक पार्ट को रॉन्ग साइड पर ऐसे पलट लेना है और पट्टी को एक तरफ फोल्ड करने से ही पोटली बटन जो है वो बाहर की तरफ निकल आएगी। उसके बाद पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर बड़े टाके से सिलाई लगाना है। बाद में इस सिलाई को खोल कर तुरपाई कर लेना है। तुरपाई करने से यहाँ पर फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। और तुरपाई करने के बाद आप एक बार आयरन से प्रेस ज़रूर लगा लीजिए, उसके बाद देखिएगा कि आपके कपड़े के ऊपर फिनिशिंग कितना अच्छा आ रहा है। और ब्लाउज़ तैयार होने के बाद जब आप पहनेंगे तो आप देखिएगा कि तुरपाई करने से आपका बैक पार्ट में जो फिनिशिंग है और इसका जो लुक है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब ऊपर और नीचे जो पट्टी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कट करके निकाल देना है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही सेम कलर का, मतलब कपड़े का यानी कि ब्लाउज़ का जो कलर है उसी कलर का मैंने पोटली बटन रेडी किया है। जिस भी साड़ी के साथ आप ब्लाउज़ को पहनेंगे उसी साड़ी से मैचिंग करके आप पोटली बटन को बना सकते हैं कॉन्ट्रास्ट में, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद इसी पार्ट के नीचे मैंने दूसरा वाला पार्ट को रख दिया है और इसी नेक के हिसाब से मैं दूसरा वाला पार्ट पर भी नेक को कटिंग कर लूँगी इस तरीके से, ये देखिए। आप चाहें तो दोनों ही पार्ट का नेक को पहले ही कटिंग कर सकते हैं एक साथ में ही, मैंने यहाँ पर अलग अलग कटिंग किया है। और इस तरीके से कट करने के बाद दूसरा वाला जो पार्ट है उस पर हम हाई वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक वाली पट्टी हमने तो तैयार कर लिया है पोटली बटन लगाने के साथ साथ, और ये जो हाई वाली पट्टी है इसका चौड़ाई मैंने लिया है 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। अब इस पट्टी को हम बिल्कुल ऐसे सीधा करके रखेंगे और उसके ऊपर इस पार्ट को ऐसे रखेंगे। ऊपर और नीचे पट्टी को एक्स्ट्रा करके रखना है इस तरीके से, और यहाँ पर आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद नीचे से जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसे इस तरीके से कट कर लेना है। उसके बाद पट्टी को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और फिर बाहर से आधा इंच फोल्ड करना है और पहले वाला जो सिलाई है उसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके रखना है। और फिर यहाँ पर बिल्कुल ही किनारी से सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। ऊपर वाला जो किनारी है जहाँ पर हमने फोल्ड किया है बिल्कुल वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग से इस तरीके से सिलाई लगाना है और यहाँ पर डबल सिलाई लगाना है, मतलब पहले वाली सिलाई से थोड़ा सा दूर 0.23 इंच दूर पर हम दूसरा वाला सिलाई लगाएंगे। तो दोनों सिलाई के अंदर हाई तैयार करनी है। तो देखिए इस तरीके से जो हमारी पोटली बटन वाला पार्ट है उस पर हमारी हुक बनेगी और नीचे वाला पार्ट पर हाई तैयार होगी। तो हुक और हाई तैयार करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद हम ऊपर से नेक को तैयार कर लेंगे, नेक पर हम पट्टी अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर 1 इंच चौड़ा तिरछी पट्टी मैंने कटिंग किया है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट पर अलग अलग पट्टी को लगाना है। आधा इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पर पट्टी को बिल्कुल उल्टा करके रखना है कपड़े के ऊपर इस तरीके से, और यहाँ पर आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद पट्टी के सामने थोड़ा सा कपड़ा रखकर कट करना है जिसे फोल्ड करने के लिए। उसके बाद पूरे ही नेक पर छोटे छोटे से कट्स लगाना है इस तरीके से। उसके बाद पट्टी को एक तरफ फोल्ड करते हुए हाथ से इस तरीके से प्रेस लगाना है, ये देखिए। यहाँ पर कोई सिलाई नहीं लगाना है। उसके बाद दूसरे तरफ, मतलब कपड़े की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था, ये देखिए। आधा इंच आपको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, उससे कम या फिर उससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे पट्टी को और यहाँ पर जो है पट्टी के किनारे से हमें सिलाई लगाना है फिनिशिंग से इस तरीके से। बहुत ही फिनिशिंग से हमें सिलाई लगाना है। तो एक पार्ट पर पट्टी हमने लगा लिया है, अब हम दूसरा पार्ट पर बिल्कुल ही सेम तरीके से पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है जहाँ पर हमने पोटली बटन लगाई है। बिल्कुल सेम तरीके से आधा इंच मार्जिन रखते हुए हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद पूरे ही नेक पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। जहाँ पर हमारी पट्टी लगी हुई है वहाँ पर आपको आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है फोल्ड करने के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाथ से प्रेस लगाने के बाद दूसरे तरफ हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो है सिलाई लगाना है।
तो पोटली बटन हमारा जहाँ से लगाना स्टार्ट किया है वहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन रखा है, पहले ही मैंने आपको बताया है, इसलिए पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस इस तरीके से आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही पार्ट पर नेक को हमने फिनिशिंग से तैयार कर लिया है और बैक पार्ट में पोटली बटन लगाकर ये डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर बाकी है सिर्फ टक्स पॉइंट का सिलाई लगाना। तो हुक वाली जो पट्टी है, ये वाली पार्ट, यहाँ से इसका चौड़ाई मैंने लिया है 4 इंच और लेंथ लिया है 5.5 इंच। और ये वाली जो हाई वाली पट्टी है, यहाँ पर पट्टी को छोड़कर हमें निशान लगाना है जो कि है बिल्कुल सेम मेजरमेंट 4 इंच चौड़ाई में और लेंथ है 5.5 इंच। तो इस तरीके से आपको कोई भी ब्लाउज का टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। जो हाई वाली पट्टी होती है, हाई वाली पट्टी को हमें छोड़कर निशान लगाना होता है टक्स पॉइंट के लिए। बस इस तरीके से कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर बिल्कुल ऊपर से कोने पर मिला देना है। और टक्स पॉइंट जब भी आप लगाएंगे ऊपर भी कोई भी टांका नहीं लगाना है, यहाँ पर बस थोड़ा सा धागे को एक्स्ट्रा करके कट करना है। इस तरीके से मैंने एक पार्ट पर सिलाई लगाई है, बस दूसरे पार्ट पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और बैक पार्ट जो है हमारी फिनिशिंग से तैयार हो जाएगी। और कमर पट्टी मैं आप बाद में लगाऊंगी, मतलब पूरे ही ब्लाउज़ को रेडी करके मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो ये देखिए ब्लाउज़ को मैंने रेडी कर लिया है, फ्रंट को ज्वाइन कर लिया है, स्लीव्स ज्वाइन कर लिया है और नीचे से कमर पट्टी भी लगा लिया है। ये देखिए फ्रंट को मैंने प्रिंसेस कट में रखा है। फ्रंट को आप प्रिंसेस कट में भी रख सकते हैं, वन टक्स में भी रख सकते हैं, कटोरी में भी रख सकते हैं। तो स्लीव्स पर मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई है, बस एल्बो तक मैंने इस स्लीव्स को बनाई है। और कमर में देखिए ये छोटा सा वी वाला शेप मैंने क्रिएट किया है, जिसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लाऊंगी। तो ये वी शेप आजकल ब्लाउज पर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। तो आपका आज का डिज़ाइन कैसा लगा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। और मैंने जो तरीका आपको बताया है इस डिज़ाइन को बनाने की, वो तरीका आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी।